हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपनी बाइक के प्रोजेक्टर हेडलाइट की लाइट बीम को एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों कई बार होता है कि हमारे जो बाइक की लाइट होती है वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, कई बार गड्ढों में पड़ने से या फिर और भी कई कारणों से, जिससे जो हमारी बाइक से लाइट फिकती है रोड पर वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर या ज़्यादा ही नीचे हो जाती है, तो हमें रोड पर क्लियरली नहीं दिखता है। सो उसको एडजस्ट कैसे करना है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही में अगर आप एक फेयरिंग वाली बाइक ऑन करते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह की हेडलाइट आपको परचेस करना है और किस तरह की नहीं करना है, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में अपनी RS200 पर ऑक्स बीम की एक लाइट लगाई हुई थी और अब मैंने दूसरी ऑक्स बीम की लाइट मंगाई हुई है, क्योंकि जो पहले वाली लाइट थी वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग थी। वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से उसकी वायरिंग बहुत ही ज्यादा लॉन्ग थी। पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सो गाइस ये लाइट P20 सीरीज है ऑक्स बीम की और H11 इसका सॉकेट टाइप है। जैसे कि आप जानते हो RS200 में H11 सॉकेट टाइप लगता है दोनों ही लाइट में। सो फटाफट से पहले इस लाइट को अपनी बाइक पर लगाएंगे, उसके बाद हम अपने प्रोजेक्टर्स को एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह की हमें ये लाइट मिलती है और इसके साथ कुछ ऐसे ही पेपर्स टाइप के मिलते हैं, वारंटी वगैरह, और दो स्टिकर यहाँ पर हमको मिलते हैं, तो इनको रख देते हैं साइड में। लाइट को देखते हैं गाइस, तो लाइट की क्वालिटी काफी बढ़िया है। वैसे भी ऑक्सीजन की क्वालिटी काफी बढ़िया ही रहती है। लाइट के पीछे एक फैन लगा हुआ होता है जिससे हमारी लाइट को ये कूल रखे, और आगे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर एक रबड़ लगी हुई है जिससे हमारे प्रोजेक्टर में कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर पानी ना जाए। और लाइट पर ऑक्सीजन की ब्रांडिंग भी की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात गाइस यही है कि इसका जो वायर लेंथ है वो बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें आप देख सकते हो सॉकेट और जो इसका ब्लास्टर है वो एक ही यूनिट में असेंबल्ड है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, क्योंकि अभी जो वो लाइट मेरी बाइक में लगी हुई है उसमें ब्लास्टर और सॉकेट अलग अलग है, जिससे उसकी लेंथ कुछ इतनी ज़्यादा हो गई है, जिससे फेयरिंग वाली बाइक में हैंडल मोड़ते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और ये लाइट का ब्लास्टर कभी कभी फंस जाता है हैंडल मोड़ते टाइम। सो गाइस हम इस लाइट को अपनी बाइक पर लगाने वाले हैं। इसको लगाने के पहले सबसे पहले मैं आपको अपनी जो लाइट लगी हुई है उसको निकाल कर दिखाता हूँ। लाइट्स को निकालना और लगाना बहुत ही ईजी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सिंपली आपको इस सॉकेट को इस तरह से निकालना है और फिर जो हमारी लाइट रहती है इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तो ये जो हमारा प्रोजेक्टर में से लाइट निकल कर आ जाती है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो जो ये लाइट अभी मेरी बाइक पर लगी हुई थी इसमें ब्लास्टर का यूनिट अलग है और उसके बाद सॉकेट का यूनिट अलग से गया है, तो ये यहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लाइट जितनी लंबी रहती है उतना वो फंसती है और हैंडल मोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। तो यहाँ पर हमने इस लाइट को लगा दिया है, सॉकेट भी इसका लगा दिया है। सेम तरह से हम यहाँ पर दूसरी लाइट भी लगा लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हमने इसका सॉकेट निकाल दिया, इसको आप घुमाओगे तो निकल जाएगी ये लाइट, और सिंपली यहाँ पर हमने अपना दूसरी वाली लाइट लगा दी है। इसका गाइस लेंथ जो है वायर का बहुत ही छोटा है, जिससे हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हैंडल मोड़ने में भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सो गाइस हमने लाइट यहाँ पर लगा ली है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको बाइक को चालू करके दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पर लाइट का आउटपुट देख सकते हो, ऑक्स बीम की लाइट का आउटपुट काफ़ी बढ़िया रहता है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं। अगर आप इनको परचेस करना चाहो तो मैंने इसको परचेस करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से अगर आप इसको परचेस कर सकते हो। आप अपनी बाइक का सॉकेट टाइप पहले चेक कर लें इंटरनेट पर, उसके बाद आप इन लाइट को परचेस करें अपने बाइक के सॉकेट टाइप के हिसाब से। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से प्रोजेक्टर हेडलाइट्स को एडजस्ट किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये मेरी हाई बीम है और जो आप ये फैली हुई देख रहे हो ये मेरी लो बीम है। तो लो बीम काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और जब मैं रोड पर बाइक को चलाता हूँ तो लो बीम से मुझे लो बिल्कुल भी नहीं दिखता है रोड पर, और एकदम सामने से बीम जाती है। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, जो यहाँ पर ये प्रोजेक्टर के यहाँ पर नॉब होती हैं ये रेड कलर की, इनको हमको घुमाना हुआ होता है। तो उस तरफ वाली नॉब को, मतलब कि हम अपनी लो बीम वाली नॉब को यहाँ से घुमाते हैं, आपको सिंपली इस तरह से घुमाना है। तो जैसे ही आप इनको इस तरह से घुमाना चालू करोगे आपकी जो बीम है वो ऊपर या नीचे होने लगेगी, तो आपको उसको ऊपर करना हो या नीचे करना हो उस हिसाब से आप इस नॉब को घुमाएं, और जब आपकी बीम एडजस्ट हो जाए तो उसको छोड़ दें। तो गाइस इस तरह से आप अपनी बाइक की लाइट के प्रोजेक्टर बीम को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। आप देख सकते हो बिल्कुल प्रोजेक्टर के नीचे आपको ये नॉब दिखेगा, इस तरह से आपको इसको घुमाना रहता है। और हमने यहाँ पर अपनी जो लाइट बीम थी उसको एडजस्ट कर लिया है, और आप भी इसी तरह से अगर आपके पास कोई प्रोजेक्टर वाली बाइक है जैसे कि RS200 या फिर Pulsar 220 में भी प्रोजेक्टर रहता है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। बात की जाए इन लाइट्स की नाइट में आउटपुट की, तो आप गाइस देख सकते हो LED लाइट्स का आउटपुट बहुत ही बेहतरीन रहता है एज़ कम्पेयर टू बल्ब। और आप भी यहाँ पर देख सकते हो रोड पर और दूसरी बाइक के मुकाबले मेरी बाइक का लाइट आउटपुट काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी हटके है और सबसे ज़्यादा इसका तेज आउटपुट है। अगर आपको इन लाइट्स को परचेज करना हो तो मैंने परचेज करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पांच जाकर आप इनको परचेस कर सकते हो। सो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस तरह की वीडियोस के चैनल पर बने रहें। मिलते हैं किसी बढ़िया सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।